गघा पुलिस ने एक गौ तस्कर गिरोह को पकड़कर एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। गघा पुलिस ने गौ तस्कर के आरोप में 4 आरोपियों को हिरासत में लिया है, जिसमें एक महिला है जिसे गिरोह का मुखिया बताया जा रहा है। मामले का पूरा खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक दक्षिणी ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी ने कहा कि मुखबिर की सूचना पर गघा पुलिस अपनी टीम के साथ नर्रे गाँव के पास गश्त कर रही थी। इस दौरान पुलिस टीम को एक बोलेरो गाड़ी संदिग्ध दिखाई दी। उस गाड़ी को रोकने का प्रयास किया गया, नहीं रुकने पर उसे पुलिस ने पीछा कर काबू में किया। इस बोलेरो गाड़ी में 3 युवक और 1 युवती निकली। इनसे कड़ाई से पूछताछ करने के बाद इन्होंने गौ तस्करी करने का आरोप स्वीकार किया है। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक दक्षिणी ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी ने कहा, इसी रास्ते से जाएंगे ये इनके साथ अपने दूरभाष के माध्यम से या खुद, मैं कह रहा हूँ ये महिला तो दो बार स्वयं देखी गई गाड़ियों पर, पब्लिक ने भी देखा जब तो उसका गाड़ी में करते हैं क्यों खत्म से करो हम तरीका बता ये किस तरह से जिंदगी इन्होंने अपने लोगों को छोड़ रखा है, मतलब ये इनके लोग हाँ ये लोग इस तरह के खाते में से लाते हुए निकल लेते हैं। कारण ये है कि कई काफ़ी समय समय सूचना मिल रही थी कि एक गैंग हमारे दक्षिणी क्षेत्र में गो और गोवंश की तस्करी में लिप्त है, जिसमें एक महिला जिसकी भूमिका सक्रिय रूप से सामने आ रही थी। इसके लिए हम लोगों ने काफ़ी समय से टीम गठित की और चेंज भी करते रहे। जब वहाँ पर सत्यप्रकाश पहुँचे गंगा में नए प्रभारी के रूप में, इन्होंने इस टीम को फिर लीड करना शुरू किया और अपने सब इंस्पेक्टर्स और कॉन्स्टेबल्स साथ में बांसगांव और गोला की टीम को साथ में लिया। इस पूरी टीम को लीड कर रहे थे हमारे CO बांसगांव साहब और मेरे द्वारा उसका नेतृत्व किया जा रहा था कप्तान साहब के निर्देशन में। ये पता चला कि नर्रे के पास ये पूरा का पूरा गैंग फिर इस प्रकार के कार्य करने जा रहा है। इसके पहले भी इस गैंग ने हमारे एक इंस्पेक्टर को घायल करके भागने की प्रयास किया था। पिछली बार जो गोवंश पकड़े गए थे उसमें भी इसकी संलिप्तता और ये देखी गई थी, वहाँ भी गोवंश पकड़े गए थे जो बड़े ही बेदर्दी से लादे गए थे, उसमें काफ़ी गाय मर भी गई थी। उस पर हमारी टीम ने जब काम किया रात में, तो ये पिछली बार भी इन लोगों ने इस तरह की हरकतें की थी, फायर वगैरह किया था, इस बार भी किया, लेकिन हमारी टीम ने बहुत ही तरीके से और सलीके से उन्हें गिरफ्तार किया। और इनके साथ जो जिस पे जो इनकी टीम के लोग हैं, इसमें खास तौर से जो इनकी संलिप्तता में इनके सबसे बड़े सहयोगी लोग हैं उनकी भी गिरफ्तारी की गई है, और वह वाहन भी जिससे ये लीड करती थी उस वाहन को भी हम लोगों ने बरामद कर लिया गया। इसमें दिलेर मेजर और विनोद और रिंग जो है इनको गिरफ्तार किया गया है और एक महिला है साथ में। और अभी जिन वाहनों से ये तस्करी करते थे उसकी भी पता चल गया है, उसका भी पता कर लिया है हम लोगों ने, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं तथा कौन सा मार्ग ये अपनाते थे ले जाने के लिए बदल बदल के, उसकी भी पहचान की जा रही है। और हम इस पूरी टीम को, इस पूरे गैंग को आगे तक जहाँ तक इन लोगों ने काम किया है वहाँ तक हम लोगों ने काफ़ी काम कर लिया है और आगे भी हम इस पर काम करते रहेंगे। टोटल ये इसमें मैंने बताया, एक दिलेर है, एक मेजर है, एक विनोद है और एक महिला है, और यही इज द गैंग लीडर, और ये खुद ही नेतृत्व करके गोवंश तस्करी कराती है और स्वयं भी उसमें। सर पूछताछ जब भी आप लोगों ने किया है तो क्या और कबूले हैं कि इसके पहले भी कभी इस तरह के मामले में संलिप्त थे? जी हाँ, इसने स्टे ले रखा था कोर्ट से कई मामलों में। ये बड़ी शातिर किस्म के हैं लोग ये पूरे अपराधी, और हम इनके पूरे गैंग को किसी भी प्रकार से क्रैक करेंगे और कोर्ट के सामने, माननीय न्यायालय के सामने इनकी सारी सच्चाई को रखेंगे और बाकी लोगों को भी इसके लिए सजग करेंगे। सर कहाँ से परचेस करते, कहाँ ले आते? ये स्थान स्थान से, कोई ऐसा पर्टिकुलर प्लेस इन्होंने नहीं बना रखा था। जैसे नर्रे का बेल्ट भी थोड़ी बहुत कहीं कहीं इनके, जो मैंने बताया ना ये दिलेर हैं और ये मेजर हैं, ये विनोद हैं, इन लोग थोड़ी थोड़ी पॉकेट से इकट्ठा करके इन जगह पॉकेट में लाते थे। ये पर्टिकुलर ऐसा प्लेस नहीं था कि नहीं यहीं ला देंगे, क्योंकि नहीं ये बात तो अच्छी तरह पता थी कि अगर एक जगह हम ऐसा काम करेंगे तो ये बात हो जाएगी। ये बड़े शातिराना तरीके से करते थे, अपने पॉकेट्स को चेंज करते रहते थे।